नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर लगातार पिछले 70 घंटों से चल रही आयकर विभाग की जांच आज आखिरकार चौथे दिन पूरी हो गई। जांच अधिकारी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ हिसार आवास से दिल्ली की ओर रुक कर गई। इनकम टैक्स के अधिकारी जाँच के बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी अपने साथ ले गए। पिछले 3 दिनों की तरह आज भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी पर अगर यकीन किया जाए तो बताया जा रहा है कि देश के एक नामी ज्वेलर्स के मामले में भव्य बिश्नोई का नाम आने पर यह पूरी जांच की प्रक्रिया चल रही है। क्यास यह भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली और गुरुग्राम के आवास पर चल रही रेड समाप्त होने के बाद आयकर विभाग द्वारा दिल्ली में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी जाएगी। आज की कार्यवाही के दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम कुलदीप बिश्नोई के आवास के बाहर बने पार्क पर जुटना शुरू हो गया था, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थानीय नेताओं ने भी यहां अपनी उपस्थिति देनी शुरू कर दी थी। आवास पर अब कुलदीप बिश्नोई की माता जसमा देवी मौजूद है, जिन्होंने बीमार होने के नाते किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि जसमा देवी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। सरकार की दमनकारी नीतियों का आगाज है और सरकार इसको हमें छोटी इमरजेंसी लगा के और हमारे कैंडिडेट लोकसभा के अरेस्ट करके ले जाना, उसको ज़बरदस्ती पहले वहाँ से आदमपुर से यहाँ लेके आए और फिर वहाँ ले गए और किसी को अंदर नहीं जाने देना। एक बच्चा जो अंदर बंधक बना लिया उसको स्कूल नहीं जाने देना, ये सरकार की दमनकारी नीतियों का परिणाम है। और ऐसा करके सरकार जो है सिर्फ इलेक्शन का मकसद अपना साधना चाहती है। इलेक्शन के बाद इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ये सरकार जो है ऐसा ना करें, इससे पहले भी सरकारें रही हैं तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, विरोधियों के खिलाफ ऐसा ना करें। तो भव्य बिश्नोई को भी वो साथ लेकर के गए। अब ये तो सारी सबको ही पता है, पहले उसको आदमपुर में इन्होंने बंधक बनाया, फिर यहाँ बंधक बनाया और अब आगे उनको लेके गए हैं। आप ये बताइए 5-5 दिन कौन सी रेड चलती है। आवास में जो लोग मौजूद हैं जो अभी यहाँ हैं उनसे अगर बात हो पाई हो तो किस तरीके की क्या एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, किस आधार पर वो लेके गए? उन्होंने तो यही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज़ को सोफे तक पाड़ के उन्होंने सब कुछ चेक किया है अच्छे से। वो यही कह रहे हैं, हर चीज़ उन्होंने खंगाल ली है, कुछ मिला नहीं। तो अब उसको बच्चे को उठा के और वो उनको पता नहीं वो अब कहाँ लेके गए हैं उसको, और क्या टॉर्चर करके उसके साथ वो लोग क्या करेंगे। सरकार ऐसा ना करे, सरकारें आती जाती रहती हैं पर ऐसी दमनकारी नीतियाँ ना चलाएं। हिंदुस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो गलत काम कर रहे हैं। शुक्रिया। मतलब क्या जो लगातार माता जी ने तो कोई पता नहीं क्या है, कहना पूछो या ना पूछो ये पता नहीं। तो लगातार कह रहे थे कि दवाइयां कोई पता नहीं दे रहे वो। माता जी परेशान है तो माता जी से अब कुछ ना पूछो। माता जी कह रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं। माता जी बीमार हैं और इस हालत में नहीं है, बताने की पोजीशन में नहीं है। 3-4 दिन से परेशान है, आप देख रहे हो हालात, बीमार भी हैं। हाँ जी, माता जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं। माता जी कोई किसी तरीके से परेशान भी किया क्या जांच के अधिकारियों ने? मैं कुछ पता नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।